बैक टू गॉडहेड फीचर बीइंग प्योर भारत में पीस कॉप्स के एक कार्यकर्ता के साथ बातचीत। बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 65 मई 1974। भारत में पीस कोर के एक युवा कार्यकर्ता बॉब कोहेन और उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के बीच आध्यात्मिक जीवन के बारे में बातचीत। भगवान चैतन्य के जन्म स्थान मायापुर भारत में इस्कॉन इंटरनेशनल सेंटर में रिकॉर्ड किया गया। मेरी हमेशा से धर्म में रुचि रही है, लेकिन भक्तों से मिलने से पहले मेरे पास आध्यात्मिक जीवन के बारे में फलदायी पूछताछ करने के लिए आवश्यक बुद्धि या उचित दृष्टिकोण नहीं था। मैं हिब्रू स्कूल गया था और पूर्वी दर्शन का अध्ययन किया था, लेकिन मुझे अपने प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर कभी नहीं मिले। कॉलेज से स्नातक करने के बाद बीएस रसायन विज्ञान में मैं पीस कोर में शामिल हो गया और एक विज्ञान शिक्षक के रूप में भारत चला गया। भारत में मैंने हरे कृष्ण आंदोलन के बारे में पूछताछ की। मैं इसकी प्रामाणिकता के बारे में उत्सुक था। मंत्रोच्चार से आकर्षित और दर्शन में रुचिकर, मैंने भारत जाने से पहले कई बार न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण मंदिर का दौरा किया था, लेकिन मैंने अपने लिए एक भक्त के प्रतीत होने वाले तपस्वी जीवन पर विचार नहीं किया। भारत में मैं पहली बार 1972 के अक्टूबर के दौरान कलकत्ता में कृष्ण भावना भावित भक्तों से मिला। भक्त मुझे योग का उद्देश्य और आध्यात्मिक जीवन के बारे में पूछताछ करने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से समझा सकते थे। मुझे यह लगने लगा था कि वे जिन अनुष्ठानों और समारोहों का अभ्यास करते थे वे नीरस भावुक दायित्व नहीं थे, बल्कि जीवन का एक वास्तविक समझदार तरीका था। हालांकि पहले तो मेरे लिए कृष्ण भावनामृत के दर्शन को समझना बहुत कठिन था। इतने सूक्ष्म तरीकों से मेरी पश्चिमी परवरिश ने मुझे उन चीजों को देखने से रोका जो मेरे चेहरे पर नाक की तरह सीधी थी। सौभाग्य से भक्तों ने मुझे कुछ बुनियादी तपस्या करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया और इस प्रकार मैं आध्यात्मिक जीवन को समझने की बुद्धि और इच्छा प्राप्त करने में सक्षम था। अब मुझे याद आ रहा है कि आध्यात्मिक और पालौकिक अस्तित्व की मेरी अवधारणाएं कितनी दूर और कठिन थीं। मैं इस समय प्रभुपाद से कुछ समय के लिए मिला और उसके तुरंत बाद मैंने शाकाहारी बनने का फैसला किया। मुझे शाकाहारी होने पर गर्व था, लेकिन बाद में प्रभुपाद ने मुझे याद दिलाया कि कबूतर भी शाकाहारी होते हैं। फरवरी में मैं कलकत्ता में कुछ भक्तों से मिला और उन्होंने मुझे भगवान चैतन्य के प्रकटन दिवस के सम्मान में मायापुर कलकत्ता से 90 मील उत्तर में एक पवित्र द्वीप में एक उत्सव में आमंत्रित किया, जिन्हें स्वयं कृष्ण का अवतार माना जाता है। मैं अधिक से अधिक 2 दिन रुकने की योजना बनाकर मायापुर के लिए निकला, लेकिन 1 सप्ताह रुकने के बाद मैं समाप्त हो गया। वहां मैं फिर से प्रभुपाद से मिला। मैं द्वीप पर एकमात्र पश्चिमी अभक्त था और चूंकि मैं भक्तों के साथ उनकी भूमि पर रह रहा था, इसलिए कृष्ण भावनामृत के बारे में गहराई से जानने का यह एक अनूठा अवसर था। जब मैं प्रभुपाद से मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कैसा था और यदि मेरे कोई प्रश्न हैं। भक्तों ने मुझे समझाया था कि प्रभुपाद आध्यात्मिक जीवन के बारे में किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक गुरुओं के एक शिष्य उत्तराधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने सोचा था कि प्रभुपाद वास्तव में जान सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। आखिरकार उनके भक्तों ने यह दावा किया और मैं उनके भक्तों की प्रशंसा और सम्मान करता था, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना सवाल पूछना शुरू किया। अनजाने में मैंने एक आध्यात्मिक गुरु से उचित तरीके से संपर्क किया था, विनम्रतापूर्वक आध्यात्मिक मामलों के बारे में प्रश्न पूछ रहा था। प्रभुपाद प्रसन्न हुए और अगले कई दिनों तक उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। मैंने उनसे ज्यादातर अकादमिक दृष्टिकोण से पूछा, लेकिन प्रभुपाद ने हमेशा मुझे व्यक्तिगत उत्तर दिए ताकि मैं आध्यात्मिक जीवन को अपना सकूं। प्रभुपाद धैर्यपूर्वक मुझे यह समझने में मदद करने की कोशिश कर रहे थे कि कृष्ण भगवान सर्वोच्च भोक्ता, सर्वोच्च मित्र और सर्वोच्च मालिक हैं। मैंने स्पष्ट को स्वीकार करने में कई बाधाएं रखी कि मुझे भगवान को समझने के लिए ईश्वर चेतना के बारे में गंभीर होना होगा, लेकिन प्रभुपाद ने अथक रूप से फिर भी मुझ पर कृपा की। अब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में रटगर्स में भूविज्ञान में अपनी मास्टर डिग्री के लिए काम कर रहा हूं, परिसर में कृष्ण जागरूक गतिविधियों को प्रायोजित कर रहा हूं, हर दिन हरे कृष्ण का जाप कर रहा हूं और न्यूयॉर्क में मंदिर में भक्तों के साथ जुड़ रहा हूं। धीरे धीरे भौतिक बाधाओं पर विजय प्राप्त कर रहा हूं। श्री प्रभुपाद की कृपा के कारण मुझे एक सच्चे आत्म साक्षात्कार व्यक्ति से आध्यात्मिक जीवन के बारे में पूछताछ करने के महत्व का एहसास हुआ है। इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन मेरे लिए अधिक वास्तविक और कम भावुक हो गया है। बॉब कोहेन बॉब, मुझे अपने प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद, यही मेरा मिशन है। लोगों को भगवान के विज्ञान को समझना चाहिए। जब तक हम परमेश्वर के साथ सहयोग नहीं करते, हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि एक मशीन से गिरे पेंच का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जब वही पेंच फिर से मशीन से जुड़ा होता है तो उसका मूल्य होता है। इसी तरह हम भगवान के अंश और पार्सल हैं, तो भगवान के बिना हमारा मूल्य क्या है? मूल्य नहीं। हमें फिर से ईश्वर के प्रति लगाव की स्थिति में वापस आना चाहिए, तब हमारे पास मूल्य है। बॉब, मैं आज एक साथी से मिला जो दोपहर में आया था।
उसके आने का कारण आपको यह हास्यप्रद लग सकता है, यह था कि उसने सुना था कि हिप्पी मायापुर में थे। श्री प्रभुपाद, क्या? बॉब, उसने सुना कि हिप्पी मायापुर में थे। मैं उनसे बात कर रहा था और तभी कुछ भक्त उनसे बात कर रहे थे। उसने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही थी जिनका मुझे कोई जवाब नहीं मिला, और उन्होंने कहा कि वह कल वापस आएंगे और कुछ भक्तों से मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या कहा, यह भ्रामक है। जब वह जवान था, श्री प्रभुपाद, वे भारतीय हैं? बॉब, हाँ, भारतीय। वह पास में रहता है और काफी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। जब वह छोटा था तो उसने प्रतिदिन बहुत कठोरता से काली एक लोकप्रिय देवी की पूजा की, और फिर बाढ़ आई। जब बाढ़ आई, लोगों ने कठिनाई देखी और अब उनका कोई धर्म नहीं है, और वे कहते हैं कि लोगों के बीच प्रेम विकसित करने की कोशिश में उन्हें अपनी खुशी मिलती है। और मैं सोच नहीं पा रहा था कि अपने जीवन में ईश्वर और धर्म को जोड़ने के लिए उसे क्या कहूं। वह कहता है कि मरने के बाद शायद मैं भगवान का हिस्सा बन जाऊं, शायद नहीं, लेकिन वह अब इसकी चिंता नहीं कर सकता। उनका कहना है कि उन्होंने इन धार्मिक अनुभवों को आजमाया लेकिन वे काम नहीं किए। मेरे द्वारा यह पूछने का एक कारण यह है कि जब मैं वापस अमेरिका जाता हूं तो बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरे सामने आते हैं। वे देखते हैं कि धर्म, जैसे उनकी काली पूजा या अन्य प्रकार के धर्मों का उन्होंने अनुभव किया है, काम नहीं करता है। और मुझे नहीं पता कि उन्हें यह समझाने के लिए उन्हें क्या कहना चाहिए कि यह कोशिश करने लायक है। श्री प्रभुपाद, वर्तमान समय में प्रयास न करें, आप स्वयं को आश्वस्त करने का प्रयास करें। बॉब, हाँ, मैंने उन्हें भक्तों को देखने के लिए कहा, लेकिन फिर रास्ते में, जैसे ही वह सड़क से नीचे जा रहे थे, मैं उनसे फिर से मिला और उनसे कहा, वापस आओ, लेकिन। ओह, मैं समझा। श्री प्रभुपाद, सबसे पहले आप आश्वस्त हो जाएं, और फिर दूसरों को समझाने की कोशिश करें। चैतन्य महाप्रभु का निर्देश है कि जब आपका अपना जीवन सफल हो तो आप दूसरों के कल्याण में सुधार कर सकते हैं। भारत भूयते हेला मनुष्य जन्म यारा जन्म सार्थक करी, कर पर उपकार, पहले अपने जीवन को परिपूर्ण बनाओ, फिर दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। बॉब, भक्तों ने मुझसे कहा है कि हर समय कृष्ण की चेतना के बिना तुम खुश नहीं हो सकते, लेकिन कभी कभी मुझे खुशी महसूस होती है। श्री प्रभुपाद, कभी कभी, हमेशा नहीं। बॉब, हाँ। श्री प्रभुपाद, लेकिन अगर आप कृष्ण भावनाभावित हो जाते हैं तो आप हमेशा खुश महसूस करेंगे। बॉब, उनका मतलब था कि आप कृष्ण भावनामृत के बिना खुश महसूस नहीं कर सकते। श्री प्रभुपाद, यह एक सच्चाई है। उदाहरण के लिए, यदि आप भूमि के पशु हैं और आपको पानी में फेंक दिया जाता है तो आप किसी भी स्थिति में पानी में खुश नहीं हो सकते। जब आपको फिर से भूमि पर ले जाया जाएगा तो आप खुश होंगे। इसी तरह हम कृष्ण के अंश और अंश हैं, हम कृष्ण के अभिन्न अंग बने बिना खुश नहीं रह सकते। वही उदाहरण, मशीन के बिना मशीन के हिस्से का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जब इसे फिर से मशीन में डाला जाता है तो इसका मूल्य होता है। हम कृष्ण के अंश हैं, हमें कृष्ण से जुड़ना चाहिए, और आप अपनी चेतना से तुरंत कृष्ण से जुड़ सकते हैं, बस यह सोचकर, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, बस इतना ही। बॉब, वह क्या है? कृष्ण है। श्री प्रभुपाद, कृष्ण मेरे हैं। बॉब, मेरा? श्री प्रभुपाद, हाँ, मेरा, मेरे कृष्ण। बॉब, आह। श्री प्रभुपाद, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। बॉब, हाँ। श्री प्रभुपाद, और मैं कृष्ण का हूँ, यही हमारी वास्तविक स्थिति है। बॉब, हम कृष्ण के अंश हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ, सब कुछ कृष्ण का अभिन्न अंग है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण की ऊर्जा से उत्पन्न होता है और सब कुछ कृष्ण की ऊर्जा है। एक भारतीय सज्जन, श्री प्रभुपाद, मेरा एक प्रश्न है, सेवा घटा भक्ति की स्थिति क्या है? श्री प्रभुपाद, हम, वह सेवा नहीं है, वह व्यवसाय है। सब हंसते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ मायापुर में हमने एक ठेकेदार को काम पर रखा है, वह सेवा नहीं है, वह व्यवसाय है। ऐसा नहीं है? कभी कभी वे विज्ञापन देंगे, हमारे ग्राहक हमारे स्वामी हैं, ऐसा नहीं है? लेकिन फूलों की भाषा के बावजूद हमारे ग्राहक हमारे स्वामी हैं, यह व्यवसाय है, क्योंकि कोई भी योग्य ग्राहक नहीं है जब तक कि वह भुगतान न करे। लेकिन सेवा ऐसी नहीं है। सेवा, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, यथा तथा वा विधाति लंपतो मत प्राणनाथस्तुसा एव नप्र, आप जो चाहे करते हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे पूज्य भगवान हैं, यही सेवा है। मैं तुमसे कोई वापसी नहीं मांगता, यही सेवा है। जब आप कुछ रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो वह व्यवसाय है। बॉब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे सलाह दें कि मैं भगवान के करीब कैसे आ सकता हूं। मैं तुम्हें जल्द ही छोड़ दूंगा, और मैं हूं। श्री प्रभुपाद, आपको शुद्ध होना है। बॉब, मैं कभी कभी मंदिर आता हूं और फिर मैं चला जाता हूं, और मुझे यकीन नहीं है कि मैं अपने साथ कितना ले जाता हूं। श्री प्रभुपाद, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, 6 महीने के भीतर आपको अपनी प्रगति का एहसास होगा, लेकिन आपको नियामक सिद्धांतों का पालन करना होगा, तब सब ठीक हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे ये लड़के और लड़कियां कर रहे हैं। बॉब, हाँ, मैं देखता हूँ। श्री प्रभुपाद, उनका सिनेमा जाने या होटल जाने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। नहीं,
उन्होंने सभी अनर्थों को, सभी अनावश्यक चीजों को रोक दिया है। बॉब, मुझे लगता है कि जब मैं वापस जाऊंगा तो वे श्रील प्रभुपाद संपूर्ण मानव जीवन शुद्धि के लिए है। बॉब, हाँ, श्रील प्रभुपाद तपो दिव्यम पुत्र के न सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यमता वनंतम, सत्व का अर्थ है अस्तित्व। तो अगर आप अपने अस्तित्व को शुद्ध नहीं करते हैं तो आपको अपना शरीर बदलना होगा। इस शरीर से उस तक, कभी यह अधिक हो सकता है, कभी कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं तो यह आपको कई तरह से परेशानी में डाल सकती है। इसी तरह यदि आप अपने अस्तित्व को शुद्ध नहीं करते हैं तो आपको एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना होगा। प्रकृति के बहुत ही सूक्ष्म नियम हैं। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको बेहद आरामदायक बॉडी मिलेगी या अमेरिकन बॉडी। इसलिए मनुष्य के लिए अपने अस्तित्व को शुद्ध करना आवश्यक है। जब तक आप अपने अस्तित्व को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक आप खुशी के लिए लालायित रहेंगे लेकिन हमेशा खुश नहीं रहेंगे। बॉब, जब मैं न्यूयॉर्क में अपनी नौकरी पर वापस जाता हूँ तो मुझे आशा है कि मैं पवित्र हो जाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यहाँ आपके भक्तों की तरह पवित्र नहीं बनूंगा। मैं खुद को ऐसा करते हुए नहीं देखता। श्री प्रभुपाद, जैसा वे कर रहे हैं आप वैसा ही कर सकते हैं। वे आदि में पवित्र नहीं थे, अब वे शुद्ध हैं। इसी तरह तुम पवित्र बन सकते हो। उदाहरण के लिए, बचपन में आप शिक्षित नहीं थे लेकिन अब आप शिक्षित हैं। बॉब, तो मैं कौन सी चीजें कर सकता हूँ? जब मैं वापस जाता हूँ तो मुझे अवश्य ही जाना चाहिए। डॉट डॉट, श्री प्रभुपाद तुम कब वापस जाते हो? बॉब, मैं वहाँ अपना काम करने के लिए चाईबासा वापस जाऊंगा। और श्री प्रभुपाद, चाईबासा में क्या है? बॉब, यही पर मैं अपना शिक्षण करता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। श्री प्रभुपाद, तो बेहतर है कि शिक्षा न दे क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या पढ़ाना है। बॉब, हंसते हुए, मैं जा रहा हूँ, मुझे यह शिक्षण इतना पसंद नहीं है और मैं मई में अमेरिका लौटूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ हूँ तो भारत में रहने के लिए यह मेरा समझौता है। श्री प्रभुपाद, यदि आप गंभीर हैं तो आप कहीं भी अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमेरिका में रहते हैं या भारत में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि खुद को शुद्ध कैसे रखा जाए। बस इतना ही। बॉब, आपका मतलब इन सिद्धांतों का पालन करने से है? श्री प्रभुपाद, हाँ। उदाहरण के लिए, मैं अमेरिका गया था लेकिन अमेरिका या भारत में मैं वही आदमी हूँ। बॉब, जब से मैं आपसे पहली बार मिला था मैंने कुछ हद तक अनुसरण करने की कोशिश की है। नवंबर 1971 के दौरान कलकत्ता में एक संक्षिप्त यात्रा। श्री प्रभुपाद, हम, लेकिन पालन करें, यदि आप गंभीर हैं तो आपको सख्ती से पालन करना चाहिए। बॉब, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, अब मैं जो कह रहा हूँ वह है, ठीक है, मैंने जो भी कहा है वह सबसे मूर्ख है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसा लगता है। श्री प्रभुपाद, नहीं नहीं, मूर्ख नहीं, मैं मूर्ख नहीं कहता लेकिन अपूर्ण। बॉब, ठीक है, वह हंसता है, अपूर्ण, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है कि अभी मैं आपके भक्तों की प्रशंसा करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उनका हिस्सा हूँ, या यहाँ तक मुझे उनका हिस्सा बनने की बहुत इच्छा है। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ चाहता हूँ, मैं वह करना चाहता हूँ जो सही है, भगवान के करीब आना चाहता हूँ, और अगर मैं अगली बार बेहतर जीवन में जाता हूँ तो मुझे संतुष्टि होगी। श्री प्रभुपाद, बहुत अच्छा। बॉब, मुझे लगता है कि यह सामग्री चिपकी हुई है, लेकिन श्री प्रभुपाद, तो तुम बस उनके नक्शे कदम पर चलो और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। हम उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कैसे शुद्ध और सुखी बने, यही हमारा मिशन है। हम सभी को खुश देखना चाहते हैं। सबे सुखिनो भवंतु, लोग नहीं जानते कि खुश कैसे बने। वे खुश होने के लिए मानक मार्ग नहीं अपनाते हैं, वे अपने तरीके से निर्माण करते हैं, यही कठिनाई है। इसलिए ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को यह सलाह दी, मेरे प्यारे लड़कों, केवल पालौकिक बोध के लिए तपस्या करो। सब तपस्या कर रहे हैं। इस लड़के को मैं जानता हूँ, उसे व्यावसायिक प्रबंधन सीखने के लिए विदेश जाना पड़ा, अब वह अच्छी तरह से स्थित है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भावी जीवन के लिए कुछ न कुछ तपस्या अवश्य करनी पड़ती है, तो क्यों न उस तपस्या को स्थायी सुख के लिए लिया जाए। आपको अपने अस्तित्व और अपने शरीर को शुद्ध करना होगा। जितनी बार आप भौतिक शरीर को स्वीकार करते हैं आपको उसे बदलना होगा, लेकिन जैसे ही आपको आध्यात्मिक शरीर मिलता है परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं है। आपके पास पहले से ही एक आध्यात्मिक शरीर है। अब हमारे भौतिक संदूषण के कारण हम भौतिक शरीर का विकास कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जीवन से जुड़ते हैं तो हम एक आध्यात्मिक शरीर का विकास करेंगे। वही उदाहरण मैंने कई बार दिया है कि आग में लोहे की छड़ डाल दी जाए तो वह आग की तरह हो जाएगी, ऐसा नहीं है? बॉब, लोहे की छड़ को आग में डाल दो। श्री प्रभुपाद, हाँ, और यह आग की तरह हो जाएगा। बॉब, हाँ। श्री प्रभुपाद, हालांकि लोहा। बॉब, हाँ। श्री प्रभुपाद, इसी तरह यदि आप हमेशा अपने आप को आध्यात्मिक रूप से व्यस्त रखते हैं तो आपका शरीर आध्यात्मिक रूप से कार्य करेगा, हालांकि यह भौतिक है।
वही उदाहरण, जब लोहे की छड़ लाल गर्म हो तो उसे कहीं भी स्पर्श करें और वह जल जाएगी। यह आग की गुणवत्ता लेता है। इसी तरह अगर आप हमेशा अपने आप को कृष्ण भावनामृत में रखते हैं तो आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, आप आध्यात्मिक रूप से कार्य करेंगे। कोई और अधिक सामग्री की मांग नहीं है। बॉब, मैं यह कैसे करूं? श्री प्रभुपाद, यह प्रक्रिया वे इसे कर रहे हैं। आपने इन लड़कों को देखा है, हमारे 6 लड़के जिन्हें आज दीक्षा दी गई है। यह बहुत ही सरल है। आपको 4 प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करना होगा और इन मोतियों का जाप करना होगा। बहुत आसान। बॉब, ठीक है, लेकिन देखिए, जब मैं बिहार में वापस आता हूं और वहां अपनी जीवन शैली का पालन करता हूं, तो मैं, अगर मैं इन सभी नियामक सिद्धांतों का पालन करता हूं, कुछ का मैं अभी पालन करता हूं, लेकिन सभी नहीं। श्री प्रभुपाद, कुछ मतलब? बॉब, कुछ? श्री प्रभुपाद, केवल 4 नियामक सिद्धांत हैं। कुछ का मतलब 3 या 2? बॉब, 2 या 3। श्री प्रभुपाद, तो दूसरा क्यों नहीं? बॉब, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं 1 या 2 का पालन करता हूं। 1 या 2 मैं अब अनुसरण करता हूं। श्री प्रभुपाद, हंसते हुए, अन्य 3 क्यों नहीं? कठिनाई क्या है? आप किसका अनुसरण करते हैं? बॉब, मैं किसका अनुसरण करूं? ठीक है, मैं लगभग शाकाहारी हूं, लेकिन मैं अंडे खाता हूं। श्री प्रभुपाद, तब वह भी पूर्ण नहीं है? बॉब, नहीं, पूरा भी नहीं। पिछली बार नवंबर से मैं शाकाहारी हो गया हूं, लेकिन... श्री प्रभुपाद, शाकाहारी कोई योग्यता नहीं है। बॉब, ज्यादा नहीं। श्री प्रभुपाद, कबूतर शाकाहारी होता है। बॉब राहत में हंसता है, बंदर शाकाहारी सबसे बकवास प्राणी है। बॉब, अच्छा। श्री प्रभुपाद, बंदर शाकाहारी है, यह नंगा सन्यासी जंगल में रहता है, सबसे शरारती। डॉट डॉट। बॉब, मैंने मुझे लगा कि यह थोड़ी प्रगति है, क्योंकि यह पहले कुछ मुश्किल था, फिर आसान था, और मैं वापस आ गया था। श्री प्रभुपाद, नहीं, आप सभी नियामक सिद्धांतों पर टिके रह सकते हैं, बशर्ते आप कृष्ण भावनामृत प्रक्रिया को अपनाएं, अन्यथा यह संभव नहीं है। बॉब, हाँ, यह बात है। मेरे पास जब मैं बिहार वापस आया, और मेरे दोस्त कह सकते हैं। डॉट, हम शाम को बैठे हैं, और मच्छरों से लड़ने के अलावा और कुछ नहीं है, और वे कहते हैं, मारिजुआना पीने के बारे में क्या? और मैं कहता हूँ, बिल्कुल, करने के लिए और कुछ नहीं है, और फिर मैं बैठ जाता हूँ, और मैं शाम का आनंद लेता हूँ। अब हमने यह किया, हम बहक गए, हम इसे हर दिन कर रहे थे और महसूस कर रहे थे कि हम खुद को चोट पहुंचा रहे हैं और रुक गए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम... श्री प्रभुपाद, आपको हमारे साथ रहना होगा, तब आपके मित्र आपसे यह नहीं पूछेंगे, मारिजुआना के बारे में क्या? बॉब हंसता है, भक्तों की संगति रखो, हम लोगों को अपने साथ जुड़ने का मौका देने के लिए केंद्र खोल रहे हैं। हमने मायापुर में इतनी जमीन क्यों ली है? जो गंभीर रूप से इच्छुक हैं वे आएंगे और हमारे साथ रहेंगे। संगति बहुत प्रभावशाली होती है। यदि आप पियक्कड़ के साथ संगति करते हैं तो आप नशे में हो जाते हैं, यदि आप साधुओं का संग करते हैं तो आप साधु बन जाते हैं। श्याम सुंदर, श्री प्रभुपाद के सचिव वे आ सकते हैं और आपके साथ बंबई में रह सकते हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ, आप हमारे साथ बंबई में रह सकते हैं, लेकिन वह मारिजुआना के साथ दोस्त चाहता है, यही कठिनाई है। बॉब, मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ, तो शायद मैं इस पर वापस आऊंगा। मुझे लगता है कि मैं अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ, और इस तरह मैं भगवान के बारे में इतना नहीं सोच सकता। मैं कई जगहों पर अपने बारे में सोचता हूँ। मैं अपने बारे में कैसे भूल सकता हूँ, ताकि मैं अन्य अधिक महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं? श्री प्रभुपाद, जैसा उन्होंने भक्तों ने किया है। बॉब, हंसते हुए, आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरा मार्ग, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वह यह है कि पवित्रता का मेरा मार्ग भक्त बनना है। श्री प्रभुपाद, क्या आप हिचकिचाते हैं? बॉब, ठीक है मैं। श्री प्रभुपाद, क्या भक्त बनना बहुत कठिन है? बॉब, मेरे लिए यह है, मुझे इतनी इच्छा नहीं लगती। पहले भक्त मुझे बताते हैं कि उन्होंने भौतिक जीवन छोड़ दिया है, ये 4 नियामक सिद्धांत उन्होंने मुझे समझाया है, भौतिक जीवन को त्यागना है, और जो मैं देखता हूँ और इसके स्थान पर उनके पास है। श्री प्रभुपाद, भौतिक जीवन से आपका क्या तात्पर्य है? बॉब चुप है। श्री प्रभुपाद, मैं इस पलंग पर बैठा हूँ, यह भौतिक है या आध्यात्मिक? बॉब, सामग्री। श्री प्रभुपाद, तो फिर हमने भौतिक जीवन को कैसे त्याग दिया है? बॉब, मुझे लगता है कि मैंने इसकी व्याख्या कैसे की, यह हमारे भौतिक लाभ की इच्छा थी। श्री प्रभुपाद, भौतिक क्या है? बॉब, भौतिक लाभ की दिशा में काम करना और सभी सामग्रियों को छोड़ना नहीं। श्री प्रभुपाद, भौतिक जीवन का अर्थ है, जब आप अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा रखते हैं तो वह भौतिक जीवन है, और जब आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो वह आध्यात्मिक जीवन है। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में यही अंतर है। अब हम अपनी इंद्रियों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियों की सेवा करने के बजाय जब हम भगवान की सेवा करते हैं वह आध्यात्मिक जीवन है। हमारी गतिविधियों और दूसरों की गतिविधियों में क्या अंतर है,
हम सब कुछ टेबल, कुर्सी, बिस्तर, टेप रिकॉर्डर, टाइपराइटर का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या अंतर है? अंतर यह है कि हम सब कुछ कृष्ण के लिए उपयोग कर रहे हैं। बॉब, भक्तों ने कहा है कि उन्होंने जो कामुक सुखों को त्याग दिया है, वे आध्यात्मिक प्रकार के सुखों से बदल जाते हैं, लेकिन देखो, मैंने इसे महसूस नहीं किया है। श्री प्रभुपाद, आध्यात्मिक आनंद तब आता है जब आप कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं। वही आध्यात्मिक आनंद है। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बेटे को दूध पिलाने से अधिक प्रसन्न होती है। वह नहीं खा रही है, लेकिन जब वह देखती है कि उसका बेटा बहुत अच्छा खा रहा है, तो वह प्रसन्न हो जाती है। बॉब, हम आध्यात्मिक आनंद तो भगवान को प्रसन्न कर रहा है। श्री प्रभुपाद, आध्यात्मिक आनंद का अर्थ है कृष्ण का आनंद। बॉब, कृष्ण को प्रसन्न करना। श्री प्रभुपाद, हाँ, भौतिक सुख का अर्थ है इंद्रियों का सुख। बस इतना ही, यही अंतर है। जब आप केवल कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो वह आध्यात्मिक आनंद है। बॉब, मैंने इसे इस रूप में देखा था, भगवान को प्रसन्न करने का मेरा विचार था। श्री प्रभुपाद, भगवान को प्रसन्न करने के अपने तरीके मत बनाओ, निर्माण न करें। मान लीजिए मैं आपको खुश करना चाहता हूँ, तब मैं तुझसे पूछूंगा, मैं तेरी सेवा कैसे कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सर्विस बनाता हूँ, यह सुखद नहीं है। मान लीजिए मुझे एक गिलास पानी चाहिए, यदि आप यह विचार करते हैं, स्वामी जी अधिक प्रसन्न होंगे यदि मैं उन्हें एक गिलास दूध, गर्म दूध दूं, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप मुझे खुश करना चाहते हैं, तो आपको मुझसे पूछना चाहिए, मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूं, और यदि तुम वही करते हो जो मैं आदेश देता हूं, तो वह मुझे प्रसन्न करेगा। बॉब, और कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण का भक्त होना है। श्री प्रभुपाद, एक भक्त वह है जो हमेशा कृष्ण को प्रसन्न करता है। उसके पास और कोई धंधा नहीं है, वही भक्त है। बॉब, क्या आप मुझे हरे कृष्ण जप के बारे में कुछ और बता सकते हैं? मैंने काफी समय तक जप किया है, लेकिन नियमित रूप से कभी नहीं, बस थोड़ा सा इधर उधर। मुझे अभी हाल ही में मनके मिले हैं, और कभी कभी मैं नाम जप करने में सहज महसूस करता हूँ, और कभी कभी बिल्कुल भी सहज नहीं होता। शायद मैं ठीक से जप नहीं करता, मुझे नहीं पता। श्री प्रभुपाद, हाँ, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, आपको प्रक्रिया अपनानी होगी। बॉब, भक्त मुझे उस परमानंद के बारे में बताते हैं जो वे नाम जप करते समय अनुभव करते हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ, जितना अधिक तुम शुद्ध हो जाओगे, उतना ही अधिक तुम परमानंद का अनुभव करोगे। यह जप प्रक्रिया शुद्धिकरण प्रक्रिया है।